नमस्कार दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप करेक्शन करते हो और इसके बाद से आप पेमेंट भी सक्सेसफुल कर देते हो और इसके बाद से आप लोगों को हमेशा से ही एक क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो फिजिकली आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पैन कार्ड है वो फिजिकली आने वाला है या फिर डिजिटली आने वाला है। और ख़ास करके ये क्वेश्चन उन लोगों का होता है जो न्यू न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिजिकली पैन कार्ड आपको चाहिए। एक हेडलाइन वहाँ पर होती है, इसके बाद से यस और नो रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यस पे ही क्लिक होता है अगर आप जल्दी जल्दी में अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दिए हो और आपने पेमेंट भी सक्सेसफुल कर दिया हो तो आपका जो फिजिकली पैन कार्ड है वो 101% आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यस पे ही क्लिक होता है। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों को डिजिटली कॉपी चाहिए, फिजिकली इस प्रकार से नहीं चाहिए, तो वो लोग मैनुअली नो पे क्लिक कर देते हैं और इसका जो चार्जेस होता है डिजिटली कॉपी का यहाँ पर ₹72 होता है। और अगर आपने फिजिकली पैन कार्ड मंगाया है तो आपको लगभग ₹107 का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि आपका जो भी पेमेंट हुआ है वो लास्ट में पेमेंट आपने कितने का किया है, क्या आपने ₹72 का किया है, क्योंकि जल्दबाजी में गलती से हो सकता है कि नो पे क्लिक हो गया हो। तो आप इसी से पता कर सकते हो कि मैंने जो पेमेंट किया है वो कितने का किया है। मैंने 72 का किया है तो आपका जो पैन कार्ड है वो डिजिटली आएगा ईमेल पे, जो आप वहाँ पर ईमेल देते हो। और अगर आपने ₹107 का पे किए हो तो आपका जो हार्ड कॉपी है इस प्रकार से फिजिकली आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए दोस्तों, पैन कार्ड से रिलेटेड ये छोटे छोटे डाउट होते हैं, ये उन लोगों को ही आते हैं जो पैन कार्ड फर्स्ट टाइम में अप्लाई करता है। जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं उनको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है तो वो लोग अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर देते हैं, इसलिए वो लोग जल्दबाजी में पैन कार्ड तो अप्लाई कर देते हैं और जो पेमेंट वो भी सक्सेसफुल कर देते हैं। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो फिजिकली आएगा या फिर डिजिटली आएगा। तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि यस पे ही बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक रहता है। और आपने ₹107 का पेमेंट किया है तो आपका जो पैन कार्ड है 101% फिजिकली इस प्रकार से आपके एड्रेस पर आ जाएगा। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है पैन कार्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लेना। या फिर अगर आप मुझे कुछ सेंड करना चाहते हो तो मेरी ईमेल आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ईमेल भी मुझे कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की छोटी छोटी जो डाउट रहते हैं वो हमेशा वीडियो में बनाता रहता हूँ, जिससे आप लोग भी अपडेट रहोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।